हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी एन हमारी चैनल टेक्नोस्फीयर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया की ओर से आने वाले फोन नोकिया 5.1 प्लस के बारे में। ये नोकिया का नोकिया 5.1 प्लस शाओमी की ओर से आने वाले रेडमी नोट 5 से क्यों सुपीरियर है, इसका फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, नोकिया 5.1 प्लस जो कि शाओमी के रेडमी नोट 5 से कितने पॉइंट सुपीरियर है, उसके हमने 5 पॉइंट अलग किए हैं। फ्रेंड्स, वो 5 पॉइंट को जाने उससे पहले हम नोकिया 5.1 प्लस की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, नोकिया 5.1 में हमें 5.86 का डिस्प्ले मिलता है, स्क्रीन रेशियो 19:9 का मिल रहा है एंड ये फ़ोन में हमें मीडियाटेक हेलियो P60 जो कि 12 नैनोमीटर प्रोसेस से बना गया है वो मिलता है एंड ये फ़ोन में हमें 13+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है एंड फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, नोकिया 5.1 में हमें रियर साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही बात हो गई नोकिया 5.1 प्लस के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम वो 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे नोकिया 5.1 शाओमी के रेडमी नोट 5 को टक्कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट उसके डिस्प्ले के बारे में है। नोकिया 5.1 प्लस में हमें नॉच डिस्प्ले मिल रहा है एंड ये डिस्प्ले एक कॉम्पैक्ट फैक्टर बन रहा है जो कि नोकिया 5.1 प्लस को रेडमी नोट 5 के मुकाबले और भी अच्छा बना रहा है। एंड नोकिया 5.1 प्लस में हमें 5.8 इंच का डिस्प्ले के साथ 2.5D का कवर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है जिसकी वजह से नोकिया 5.1 प्लस में हमें एक प्रीमियम लुक मिलता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उसके सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स हमें एंड्रॉइड 1 का है। नोकिया 5.1 प्लस में हमें एंड्रॉइड 1 प्लस मिल रहा है जिसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड ये फोन में हमें अपडेट्स भी बहुत ही फास्ट मिलने वाले हैं एंड ये फोन में हमें सिक्योरिटी अपडेट भी बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं जो कि ये ऑप्शन रेडमी नोट 5 में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा पॉइंट नोकिया 5.1 प्लस में अवेलेबल यूएसबी टाइप सी पोर्ट के बारे में है। रेडमी नोट 5 में फ्रेंड्स यूएसबी टाइप सी पोर्ट अवेलेबल नहीं है एंड अगर ये प्राइस रेंज में हमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बात। एंड फ्रेंड्स, हमारे जो 5 पॉइंट में फोर्थ पॉइंट पे जो स्टैंड करता है वो है नोकिया 5.1 प्लस का डुअल कैमरा जो कि हमें रेडमी नोट 5 में डुअल कैमरा मिलता नहीं है। क्या 5.1 प्लस में हमें 13+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल रहा है। इसका एपर्चर f2.0 है एंड ये फोन में हमें फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल रहा है। हालांकि रेडमी नोट 5 में हमें 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलेगा एंड तो फ्रेंड्स यही कैमरा के बारे में भी नोकिया 5.1 प्लस रेडमी के रेडमी नोट 5 से बाजी मार रहा है। एंड फ्रेंड्स, अब हमारा फाइनल एंड पांचवा पॉइंट नोकिया 5.1 में अवेलेबल प्रोसेसर के बारे में है। नोकिया 5.1 में हमें मीडियाटेक का हेलियो P60 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि रेडमी नोट 5 में मिलने वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 से सुपीरियर है। तो फ्रेंड्स, नोकिया 5.1 प्लस प्रोसेसर के मामले में भी रेडमी नोट 5 से बाजी मारता है। तो फ्रेंड्स, यही 5 पॉइंट है जिससे नोकिया 5.1 प्लस रेडमी नोट 5 से सुपीरियर बन रहा है। हालांकि फ्रेंड्स, हम लोग रेडमी के अगेंस्ट नहीं है बट अगर हम स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली नोकिया 5.1 प्लस रेडमी नोट 5 से बहुत ही अच्छा आगे जा रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।